नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालिसिस कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले चर्चा करते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन फिंगर की लेंथ यहाँ पर लॉन्ग है, जो एक बहुत अच्छे एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। यह हर काम को बहुत ज़्यादा सोच विचार के करना, सूझबूझ के साथ करना ज़्यादा पसंद करेंगे और अपने आप को प्री प्लान रखना ज़्यादा पसंद करेंगे। यही रीज़न है कि लाइफ का एक एक स्टेप लेने में भी 100 दफ़ा सोचेंगे और बहुत एक्यूरेटली कोई भी काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। यही रीज़न है कि इनके अधिकतर काम जो है अच्छे फल देने वाले एवं शुभ फल देने वाले रहने वाले हैं, और लाइफ में इस कारण से ग्रोथ अच्छी देखने को मिलती है। किसी के अंडर में रह करके भी अच्छे से काम कर सकते हैं और अपने अंडर में दूसरों को रख करके भी अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। तो यहाँ पर लिटिल फिंगर के विषय में बात करते हैं, तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पॉड तक पहुँच रही है, तो इस कारण से इनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहने वाला रहेगा। अपने बात को बड़ी ही सरलता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना ऐसी कोई गतिविधि नहीं है। और लिटिल फिंगर की लेंथ जब अच्छी होती है तो बिजनेस में ग्रोथ के चांसेस डबल हो जाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छी रहने वाली रहेगी और अपने बात को बड़ी ही स्पष्टता से दूसरों के सामने रखने वाले भी रहेंगे। देखा जाए तो यहाँ पर थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा देखने को मिल रही है, जो कि रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में कभी भी रिस्क लेने से पहले हिचकिचाएंगे, घबराएंगे नहीं, और यही रीज़न है कि धीरे धीरे करके लाइफ में इनका ग्रोथ भी अच्छा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी भी इनके अंदर बहुत अच्छा रहने वाला है, और अपने इस क्रिएटिविटी को निखारेंगे तो सोसाइटी में अच्छा नेम, फेम, पॉपुलैरिटी भी आप अच्छा पा सकते हैं। अब यहाँ पर फिंगर में देख पाएंगे जो पहला पर्व यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ये जो है ज़्यादा डेवलप है और थोड़ा सा नोकीला भी है, तो ऐसे लोगों में धीरज की थोड़ी सी कमी होती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ज़्यादा कोई इसमें इशू नहीं है, और फिंगर के ऊपर भी सीधी खड़ी रेखा देखने को मिल रही है, जो यहाँ पर इनके फ्रेंडली नेचर और मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करती है। तो उस कारण से हर परिस्थिति माहौल में ढल जाने में आप सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के लोगों के साथ आपके संबंध तकरीबन मधुर रहने वाले हैं। रीज़न ये है कि आप एक प्रकार की गिवर टाइप के नेचर रखते हैं। गिवर टाइप का नेचर ये हुआ कि जैसे ही किसी ने आपसे हेल्प मांगी या जैसे ही किसी ने आपको बुला लिया, आप बिना सोचे समझे उसकी हेल्प कराएंगे, उससे मिल आएंगे, अपना सारा काम धंधा छोड़ के सबसे पहले सामने वाले पर्सन के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये होता है गिवर नेचर। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो फिंगर के फैलेंजेस अच्छे यहाँ पर डेवलप है। अंदरूनी मंगल भी ओवरऑल देखा जाए तो ठीक डेवलप है। तो शारीरिक गठन बल आपका अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। स्टेमिना, ऊर्जा आपके अंदर अच्छी रहने वाली है। इसके अलावा थंब यहाँ पर शॉर्ट है, तो ज़्यादा प्लानिंग्स करते हैं और उन प्लानिंग के अंदर भी ज़्यादा आप चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो थंब यहाँ पर सशक्त यानी मजबूत है, थोड़ा शॉर्ट ज़रूर है, तो आपका व्यक्तित्व जो है वो लोगों के सामने निखर के आने वाला रहेगा। ज़िद्दी और हठी किस्म का नेचर भी यहाँ पर आपका रहने वाला है। पहले पर्व की लेंथ ज़्यादा है तो विल पावर आपका स्ट्रांग है, काल्पनिकता ज़्यादा रहेगी, इमेजिनेशन में बहुत जल्दी आप चल जाने वाले भी रहेंगे। देखा जाए तो यहाँ पर आपके यव की आकृति भी क्रिएट हो रही है, तो इस कारण से आपके अंदर ग्रेसपिंग स्किल यानी कोई भी चीज़ सीखने व समझने की क्षमता अच्छी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ धार्मिक होने के योग भी आपके अच्छे हैं, धन भी जीवन में अच्छा रहेगा, इंट्यूशन भी आपका स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। पाम के साइज़ के विषय में हम बात करते हैं, तो पाम एक प्रकार से स्क्वेरिश है, ऊपर का एरिया अच्छा डेवलप है, तो आप जो है अथॉरिटी वर्क करके लाइफ में प्रोग्रेस अच्छा पा सकते हैं। अथॉरिटी वर्क मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम, और जिसमें डिसिप्लिन मेंटेन करना हो, वो सारे कामों में प्रोग्रेस आपको अच्छा मिल सकता है। नीचे का एरिया थोड़ा कम विकसित है, तो इस कारण से इंडिपेंडेंटली वर्क करना थोड़ा सा आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट आपको कोई ना कोई लाइफ में होना चाहिए जो आपको हमेशा गाइड करते रहे, बताता रहे कि यह काम करना है, ऐसे करना है। आप इतनी फुर्ती से वो काम करेंगे कि पूछिए मत। लेकिन वैसे ही अगर वो काम आपके ऊपर सिर्फ छोड़ दिया जाए कि आपको जैसे करना है आप करिए, तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर देखा जाए तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा अच्छी रहती है। शुक्र शासित हाथ है, तो थोड़ी कामुकता ज़्यादा रहेगी, लग्जरियस लाइफ की चाहत आपको ज़्यादा रहेगी। हर प्रकार की सुख सुविधाएं अपने जीवन में आप हासिल कर पाएंगे। रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये बहुत अच्छे से आप अपने लाइफ में मेंटेन भी कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर अच्छा उभरा हुआ है, तो पारिवारिक सुख आपको अच्छा मिलने वाला रहेगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका यानी मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी। एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर गई हुई है, जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नेचर को इंडिकेट करती है।
तो साथ ही साथ यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी रहेंगे, बहुत ज़्यादा जुनूनी किस्म का नेचर रहेगा, और अपने इच्छा मनोकामना को पूरा करने के लिए आप कुछ भी अपने लाइफ में कर सकते हैं। यही रीज़न है कि जीवन में धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में ग्रोथ अच्छा देखने को मिल रहा है। और शनि के क्षेत्र पर आए तो शनि पर्व थोड़ा सा कमज़ोर है, और यहाँ पर भाग्य रेखा भी चंद्र के क्षेत्र से प्रारंभ है, तो शादी के बाद जीवन में प्रोग्रेस आपके बहुत अच्छा रहेगा। जन्म स्थान से दूर भाग्य उन्नति होगी, मदर से कनेक्शन बहुत अच्छा रहने वाला है, साथ ही साथ मन की ज़्यादा सुनेंगे और मन की ज़्यादा करेंगे। अब ये भाग्य रेखा यहाँ पर आपके माइंड लाइन पर आकर के रुकी है, और ये जो एज है 36-37 है अप्रोक्स, उसके बाद से डबल लाइन चल रही है, तो थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ में आपके करियर भी होगा। शनि पर भी एक से अत्यधिक रेखा है जो डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को इंडिकेट करता है, यानी एम्बिशन आपके सारे पूरे होंगे लेकिन थोड़ा डिले हो सकता है। बात करें तो शनि और सूर्य पर्वत के बीच की ये रेखा अच्छे नॉलेज और गाइडर को इंडिकेट करती है, तो आप अपने जो है एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली किसी को गाइड अच्छा कर सकते हैं, कंसल्टेंट आप अच्छा बन सकते हैं, दूसरों से काम अच्छे से निकलवा भी सकते हैं, तो ये काबिलियत भी आपके अंदर अच्छी ही रहेगी। सूर्य माउंट थोड़ा सा वीक है तो आत्मविश्वास की थोड़ी सी कमी रहेगी, बाकी देखा जाए तो सूर्य रेखा यहाँ पर अवेलेबल है, तो इच्छा और मनोकामना आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर के ज़्यादा भी रहेगी, यानी इज्जत सम्मान के भी आप बहुत प्यारे रहेंगे, नेम फेम के चांसेस भी आपके ब्राइट है, और यहाँ पर भी डबल लाइन है तो डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को ही ये इंडिकेट करता है। लेकिन हल्की सी एक रेखा इस प्रकार से काट के भी जा रही है जो पिता से रिलेशन में अनबन मतभेद या थोड़ी सी दूरी को भी यहाँ पर व्यक्त करता है। मरकरी माउंट थोड़ा कम डेवलप है तो मन के अंदर थोड़ी बातों को भी दबाएंगे, लेकिन एक से अत्यधिक रेखा यहाँ पर शुभ होती है क्योंकि ये अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। आपकी बोलचाल इस प्रकार से मीठी रहेगी कि ईजिली आप किसी को भी बांधे रख सकते हैं अपने, और अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने बातों से, किसी से काम निकलवा सकते हैं, कन्विंसिंग स्किल अच्छी रहेगी। उम्र से भी आप थोड़े से कम दिखने वाले रहेंगे। हृदय रेखा यहाँ पर इस प्रकार से सीधे से निकलते हुए आपके जो है गुरु से कनेक्टेड है, तो बहुत इमोशनल नेचर रहेगा, कभी भी किसी को ना नहीं कर पाते आप, आपको ना करने में मना करने में मुश्किल आती है, और साथ ही साथ आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल की अधिक सुनते हैं, और यहाँ पर शनि से भी थोड़ी सी आपकी जो है हृदय रेखा, माफ़ करें, शनि से ही आपकी हृदय रेखा कनेक्टेड है और एक शाखा गुरु पर भी गई है, तो थोड़ी कामुकता को ये ज़्यादा व्यक्त करता है। और बात करें तो हृदय रेखा में मुझे इसकी कोई भी परेशानी नहीं दिख रही है, मनी के ऊपर आपका फोकस रुझान ध्यान ज़्यादा रहेगा, और यहाँ बात करें तो मंगल के क्षेत्र तक भी आपकी हृदय रेखा कनेक्टेड हो रही है, तो थोड़ा एग्रेसिव नेचर भी रहेगा, और एग्रेशन आपके लिए ख़राब बहुत ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि एग्रेशन में आप क्या से क्या कर जाते हैं आपको भी नहीं पता है। बात यह है कि अंदरूनी और बाहरी मंगल दोनों डेवलप है, तो इस कारण से किसी भी चीज़ का या किसी भी बात का आप इमीडिएटली रिस्पॉन्स देने वाले रहेंगे, थोड़ा भी सब्र या पेशेंस आपके अंदर नहीं रहेगा। बात ऐसी रहेगी कि सामने वाले पर्सन ने ये मुझे बोल कैसे दिया, ये भी बात है, और यही रीज़न है कि जैसे जल्दी हाइपर हो जाना, इरिटेट हो जाना, फ्रस्ट्रेट हो जाना अगर आपके अकॉर्डिंगली काम ना हो तो ये जो थोड़ी जल्दबाजी है इस पर थोड़ा आपको कहीं ना कहीं, और सबसे मेनली ये जो एग्रेशन है इस पर आपको थोड़ा कंट्रोल कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर नहीं किए कंट्रोल तो आप फिर आपको नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ सकता है। जैसे बाहरी मंगल अच्छा डेवलप है तो ये ज़्यादा किसी चीज़ को जो है आप अपने ऊपर ज़्यादा बर्डन सहन नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ जुनून, हौसला, पराक्रम यानी मेहनत, ये चीज़ें आपके अंदर अच्छी रहेगी। मेंटली स्ट्रांग है तो लाइफ में बड़ी से बड़ी बाधा का भी जो है हंसते खेलते आप सामना कर लेंगे, उसमें कोई भी कमी नहीं है। और यहाँ माइंड लेन की बात करें तो माइंड लेन यहाँ पर लॉन्ग है लेकिन थोड़ी सी डिक्लाइन हो गई है, तो इस कारण से थोड़ा इमेजिनेशन आपका बढ़ गया है। यही रीज़न है कि हर बात के जड़ तक जाना आपको पसंद रहेगा। ओवर थिंकिंग थोड़ी सी यहाँ पर आपका ज़्यादा देखने को मिल रहा है, डे ड्रीमर टाइप का नेचर भी है, और जैसे कि लॉन्ग माइंड लेन है और यहाँ पर बाहरी मंगल से भी एक रेखा आकर के इस प्रकार से कनेक्टेड हो रही है, तो इस कारण से स्टडीज़ में आपकी स्कोप और ग्रोथ के चांसेस बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हैं, और कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ सकते हैं, पुरानी से पुरानी बातों को भी बहुत अच्छे से आप याद रख सकते हैं, और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर की भी रहेंगे, सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना भी आपको पसंद रहने वाला है, लॉजिकल पर्सनैलिटी भी आपकी रहेगी, तो माइंड लाइन में ऐसी कोई भी खराबी नहीं है। और कंपटीशन भी अगर आप चाहते हैं अपने लाइफ में करना तो कंपटीशन भी क्रैक अच्छे से कर सकते हैं, और जॉब प्रोग्रेस ये सारी चीज़ें भी आपके हाथ में अच्छी देखने को मिल रही है। इसके बाद बात करें तो लाइफ लाइन का फ्लो इस प्रकार से निकलते हुए मिडिल तक आया हुआ है, इसके कारण आप सेल्फ फोकस, करियर फोकस अपने लाइफ में ज़्यादा रहने वाले हैं, और यहाँ से निकलने वाली इस प्रकार की रेखा फैमिली के सुखों में बढ़ोतरी करती है और फैमिली से लाभ मिलते हुए देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ से एक और रेखा जो शुक्र से चंद्र तक गई हुई है, इसे वियल ऐसा व्यय कहा जाता है जो एक प्रकार के एडिक्शन को इंडिकेट करता है, तो किसी न किसी चीज़ के लत आपको लग सकती है या किसी न किसी चीज़ के आप आदि होंगे। अगर ये खराब चीज़ है तो गलत है, सही चीज़ है तो कंटिन्यू रखें, लेकिन थोड़ा सा डाइजेशन से रिलेटेड भी ट्रबल आपको हो सकता है। बात करें तो लाइफ लाइन के पैरेलल कुछ सहयोगी रेखा भी चल रही है, तो समय समय पर दूसरों का सहयोग
दोस्तों का, रिश्तेदारों का सहयोग भी कुल मिलाकर के ठीक आपको मिलने वाला रहेगा। एक राहु रेखा इस प्रकार से चल रही है, और भी मल्टीपल्स राहु लाइंस हैं जो आपको अप्रोक्सीमेटली 28 देन आफ्टर 30, 33, 34 और 42 के एज में थोड़ा सा ट्रबल देगी। राहु के रेमेडीज मैं आपको व्हाट्सएप पर दे दूंगा, उसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और शुक्र माउंट जैसे कि ओवर डेवलप है तो अपोजिट जेंडर के प्रति, तो इस प्रकार से थोड़ा सा आप जो है अपोजिट जेंडर से रिलेटेड थोड़ा टेंस्ड में रह सकते हैं। तो ओवर थिंकिंग से मेनली जितना हो सके बचे रहें, और शादी के पहले कोई संबंध रखना थोड़ा सा आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। इसके अलावा सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर ठीक है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में ठीक ठाक मात्रा में रहेगी। केतु माउंट भी नॉर्मल है यहाँ पर, और यहाँ से ये जो रेखा निकली है ये शुभ होती है, क्योंकि ये व्यापार से लाभ दिलाती है और धन भी अच्छा आपके जीवन में रह पाएगा, क्योंकि यहाँ पर मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो धन संपदा के मालिक अच्छे रहेंगे आप, धन में कोई भी ऐसी कमी नहीं है, सुख सुविधा भी अच्छी खासी रहने वाली रहेगी। शौकीन किस्म का नेचर आपका रहने वाला है, चंद्र की आड़ी रेखा थोड़ा मन से आपको दुखी रख सकती है। बाकी ओवरऑल देखें तो चंद्र भी अच्छा डेवलप है, तो क्रिएटिविटी भी आपके अंदर अच्छी रहेगी, मन की ज़्यादा सुनेंगे, मन की ज़्यादा करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो पाम तो यहाँ पर कंफर्टेबल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जितने भी माउंट्स हैं यहाँ पर ओवरऑल डेवलप है, सिवाय एक दो को छोड़ करके। तो थोड़ा सर्विस सेक्टर में आपको डिफिकल्टीज आ सकती है, अनकंफर्टेबल रह सकते हैं, बाकी ओवरऑल लाइफ में ऐसी कोई भी कमी या दिक्कत परेशानी नहीं है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।